मैं प्रज्ञा के बारे में बोल रही थी ना, अरे वो तो इतनी कमाल की है, उसने ना अभी की जान बचाने के लिए अपने सांसें भी दे दी उसे। अपनी सांसें? हाँ सांसें। वो क्या कहते हैं ना, मुंह से सांस देना, अब इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, अब वो ऐसे करके देते हैं ना, अब जो भी कहते हैं इंग्लिश में, मेरी नजरों में तो वो किसी है। वैसे प्रज्ञा काफी इंटेलिजेंट है और साथ में रोमांटिक भी। भाभी आइए, मुझे कुछ बात करनी। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा था तुम्हें? प्रज्ञा की तारीफों के पुल बांध रही थी मैं। उन लोगों को बता रही थी कि प्रज्ञा कितनी इंटेलिजेंट है, कितनी रोमांटिक भी, और तो और उसने अपने अभी की जान बचाने के लिए अपनी सांसें भी दे दी। मेरे सामने ये सारी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। क्यों? क्यों ना करो बात। और तुम्हें अगर कुछ प्रॉब्लम है ना तो अपने कान बंद कर लो, लेकिन मुझे मत रोको। तो बाय द वे तनु, तुम्हें प्रॉब्लम किस बात से? हाँ, अभी की जान बच गई इस बात से, या वो प्रज्ञा ने उसे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, जो भी है मेरी नजरों में तो किस है, वो किया इस बात से? मुझे प्रॉब्लम आपके तरीके से, जो हो गया सो हो गया, अब उस बात का ढिंढोरा मत पीटिए। मैं तो पीटूंगी, प्रज्ञा ने कमाल ही ऐसा किया है। अभी 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 हमने बहुत सुने हैं तुम्हारी किस के किस्से। ओह, जंगल में रोमांस, क्या क्या किया तुमने जंगल में? हाँ, एनीवेज कांग्रेचुलेशंस फॉर योर किस ऑफ लाइफ। तुम तो रियल लाइफ में रॉकस्टार थे ही, और अब तुम तो बड़े रोमांटिक निकले, क्या बात है। हाँ, प्लीज हमें भी मौका मिलना चाहिए। तुम तो मेरी तरफ आ रहे हो और इतने सीरियस क्यों दिख रहे हैं? अभी प्रज्ञा दी को ऐसे कहां लेके जा? तुम्हारा चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। दिमाग में चल क्या रहा है तुम्हारे? दिमाग में क्या चलेगा, दिमाग में कुछ नहीं चल रहा। मैं बस अभी और प्रज्ञा दी को ढूंढ रहा था। यारी दोस्ती में प्यार को भूल गए हो ना तुम? ओह, तो ये बात है। सीधा सीधा बोलूं कि मुझे मिस कर रही थी, इतना घुमा फिरा के बोलने की क्या जरूरत है? अच्छा, तुम्हें तो बस मौका चाहिए होता है। अब मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है तुम्हें। मुझे पता है तुम क्या इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहती हो, यही ना कि प्रज्ञा दी ने अभी को प्रपोज किया। ओह, तो तुम्हें पता है? ऑफ कोर्स। लेकिन तुम्हें ये तो पता नहीं होगा कि उन दोनों के बीच में किस भी हुए। किस? बड़ा एटीट्यूड दिखा रहे थे ना मुझे, अब आया ऊंट पांट के नीचे। पर ये कब हुआ? तुम जाकर अपने दोस्त से क्यों नहीं पूछ लेते? तुम बताओ ना मुझे, कब हुआ ये, कैसे हुआ, बताओ ना। देखो पूरा, ये एक्सक्लूसिव न्यूज़ है, ऐसे नहीं बताऊंगी। तो कैसे बताओगी? ठीक है, तुम जो बोलोगी ना मैं करने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे पहले बताओ ना ये कैसे हुआ प्लीज। पक्का? अरे प्रॉमिस। ओके। बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? क्या किया मैंने? ज्यादा नाटक मत करो, तुम अच्छी तरह जानती हो तुमने क्या किया है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं वाकई कुछ नहीं पता आप क्या कह रहे हैं इस बारे में बात। तुम हो क्या, करना क्या चाहती हो, अंदर क्या हो, दिखती क्या हो, सोचती क्या हो, बोलती क्या हो, मैं तुम्हें समझ में नहीं पाया ना। ये सब क्यों बोल रहे? मैं जैसी हूँ वैसे आपके सामने, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं छुपाया। इसका मतलब तुमने जो किया जानबूझकर किया? हाँ, क्या किया मैंने? झूठी बातें फैला रही हो तुम। मुझे नहीं पता तुम ये सब क्यों कर रही हो, बट झूठी बात। कौन सी झूठी बात? तुमने मुझे किस किया? बोलो, तुमने ये बात बताई कि नहीं? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बोलो तुमने ये बात बताई कि नहीं? ये बात सच है कि नहीं? मैंने। अब तुम सिर्फ हाँ या ना में जवाब दोगी, हाँ या ना। मैं पूछ रहा हूँ कि हाँ या ना। क्यों किया तुमने ऐसा? समझती क्या हो अपने आप को और मुझे क्या समझती हो? तुम झूठी बातें क्यों फैला रही हो? अपनी रेपुटेशन का नहीं तो कम से कम मेरी रेपुटेशन का तो ख्याल कर लिया होता ना। जो चीज हमारे बीच में हुई नहीं उसे फैला क्यों रही हो तुम? क्या लगता है तुम्हें कि मेरे नाम को अपने नाम के साथ जोड़कर तुम फ्री की पब्लिसिटी लोगी? तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे, तालियां बजाएंगे? देखो तुम्हें लग रहा होगा कि तुमने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन हमारे यहाँ पर ना इसे चीप पब्लिसिटी कहते हैं। क्यों? Why did you do it? मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम ऐसा काम करोगे। I never expected this from you. It's embarrassing and it's disgusting and I hate you for this. जरूरत है सब बोलने की? और भी कुछ बोलना है या हो गया था? पूरब तुझे नहीं पता उसने क्या किया। अगर तुझे पता चलेगा ना तू भी जाकर उसे डांटेगा। क्या किया उन्होंने बता मुझे? तू झूठी बातें फैला रही है पूरब। वो सबको ये बता रही है कि उसने मुझे किस किया है। तूने किसी की बात सुनी, उस पर रिएक्ट कर लिया, यहाँ तक कि बिलीव भी कर लिया और प्रज्ञा दी को डांट भी दिया। कभी एक बार भी खुद से पूछ के देखा कि प्रज्ञा दी ऐसा कैसे कर सकती है आउट ऑफ ऑल द पीपल? तूने प्रज्ञा दी की पूरी बात सुनी? उनको कोई मौका दिया, चांस दिया अपनी बात एक्सप्लेन करने का, तेरे को बताने का, तेरे को समझाने का? नहीं दिया। तू तो जानना भी नहीं चाहता होगा कि आखिर हुआ क्या है। You know what? अगर किस हुआ भी है ना, एक्चुअली मैं जानता हूँ कि किस हुआ है और मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं। यार पूरब तू पहले तू मेरी पूरी बात सुन और फिर तू डिसाइड करियो कि क्या सही और क्या गलत। तेरी किडनैपिंग हुई थी, उसके बाद तुझे गोली लगी थी एंड ऑल दैट। तू ये जानता है कि प्रज्ञा दी ने तेरी गोली निकाली, तेरी जान बचाई। पर अभी तू ये नहीं जानता कि एक पॉइंट ऐसा भी था जब तेरी हालत बहुत खराब थी। उस टाइम प्रज्ञा दी ने कोशिश करी, इतनी कोशिश करी कि तेरी सांसें वापस आ जाए। शी ट्राइड सो मच बट सब बेकार के। इट वाज ऑफ नो यूज। हिम्मत हार के उन्होंने वही किया जो डॉक्टर सलाह देते हैं, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। और ये सब उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो शो ऑफ करना चाहती थी कि उन्होंने तेरे को किस किया। अभी उन्होंने ये सब तेरी जान बचाने के लिए किया ताकि तू ठीक हो जाए। और तू पता नहीं क्या क्या सोच रहा है। अब तुझे समझ आया किसका मतलब? या अभी भी तू कुछ उनको बोलना चाहता है, उनकी इंसल्ट करना चाहता है या उनको कुछ और दो बातें सुनाना चाहता है? कि तू यही तो करता है। यार मैं मानता हूँ तू गया था प्रज्ञा दी के पास किडनैपर से बचाने, वो भी अकेले गया था, पर उन्होंने तो तेरे को मौत के मुंह से बचाया। यार ये जो तू अभी यहाँ पे खड़ा है और जो नीचे पार्टी चल रही है अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ये सो कॉल्ड किसकी वजह से? प्रज्ञा दी की वजह से। अरे थैंक यू तो दूर, तू उनकी इंटेंशंस पे भी सवाल उठा रहा है। मैं नहीं जानता अब कुछ भी। तू तो वही करेगा ना जो तेरे दिल में आता है, जो तेरा दिल कहता है। मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि जो तेरे को नई लाइफ मिली ना, इसमें तेरे पास दिल है भी है। हाय, क्या हुआ? अब जो मैंने किया उसके लिए मुझे थैंक्स नहीं कहोगी? वैसे तुम्हें क्या लगा कि कुछ दिन अभी के साथ रहकर तुम उसका दिल जीत लोगी? तुम अपनी जान भी दे दोगी ना, तब भी अभी सिर्फ मुझसे प्यार करेगा बिकॉज ही इज माइन। और वो मेरी कितनी बात मानता है उसकी एक झलक तो तुम देख ही चुकी हो, इसलिए दोबारा अभी के करीब जाने की कोशिश मत करना। देखो उसे, ये वही अभी है जिसे मैं जानती हूँ। और अपने आप को देखो, किसी भी एंगल से तुम अभी के लायक दिखती हो। अभी के पीछे ना लाखों लड़कियां दीवानी हैं और उन लाखों में से उसने मुझे पसंद किया, इसलिए मेरी जगह लेने की कोशिश मत करना क्योंकि तुम कभी भी मेरी जगह नहीं ले पाओगी, समझी? Excuse me? Thank you, Abhi. तुमने प्रूव कर लिया कि तुम सिर्फ मेरी हो। किधर जा रही थी? कुछ नहीं, तबीयत नहीं ठीक लग रही। ओह, तूने जीजू से पूछा? नहीं, और ना कभी पूछूंगी। क्यों कर रही थी तू ऐसा? तुझे पूछना चाहिए था ना। तुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा है? हाँ बुलबुल, तू क्यों नहीं समझ रही? मुझसे नहीं होगा, क्यों बेवजह फोर्स कर रही है? मैं तुझे फोर्स नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट तू मुझे फोर्स कर रही है वो स्टेप उठाने के लिए जो मैं नहीं करना चाहती। देख, सिचुएशन तेरी वजह से क्रिएट हुई, तू इसे हैंडल कर। नहीं ठीक है, रुक जा। अरे लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज? जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये पार्टी अभी जीजू और प्रज्ञा दी के घर आने की खुशी में रखी गई है, और इसी खुशी के मौके पर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जीजू से एक सवाल पूछूं, और वो भी सबके सामने। क्या हुआ जीजू, आप वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आइए। आइए जीजू। डोंट वरी, मैं आपको मैथ्स या इकोनॉमिक्स का सवाल नहीं पूछूंगी। सवाल लव एंड लाइफ रिलेटेड ही होगा, एंड आई एम श्योर आपके लिए वो सवाल बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। लेकिन जीजू से मैं सवाल तब पूछूंगी जब जीजू की वाइफ प्रज्ञा मेहरा यहाँ आएगी। कम ऑन दी, तेरे बिना मैं सवाल नहीं पूछ पाऊंगी और जीजू जवाब नहीं दे पाएंगे। Am I right, जीजू? कि बुलबुल ना सब गड़बड़ी कर देगी, इसे रोकना होगा। So, Dee, मत करो ये सब। प्लीज, ये लोग कुछ स्टेप नहीं उठा रहे, इसलिए मुझे करना पड़ेगा। तो मेरी बात मानो, मुझे करने दो, इस बीच में मत पड़ो, ठीक है? प्लीज पूरब, थैंक यू। ओके, कम ऑन दी। बुलबुल की बच्ची इतनी मुश्किल से अभी और प्रज्ञा के बीच में दूरी पैदा की थी, फिर से सब कुछ खत्म कर देगी। जीजू, आप सवाल जानते हैं ना? या मैं पूछूं? आज ये दोनों कुछ लग रहे ना, अभी इतनी देर तक तो चुप बैठने वालों में से नहीं है। जा रही थी? 2 मिनट रुक जा, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि बुलबुल कितना सस्पेंस क्रिएट कर रही है। आप लोग तो जानते ही होंगे कि जीजू कितना अच्छा गाना गाते हैं। अच्छा गाना ही नहीं गाते, बट अच्छा डांस भी करते हैं। आई रियली लव हिम डांसिंग। इसीलिए मेरा सवाल जीजू से ये है कि क्या आप अपनी वाइफ प्रज्ञा मेहरा के साथ डांस करें? आखिरी मौका दे रही हूं, जो भी पूछना है अभी पूछ ले, उसके बाद मैं खुद भी नहीं रुकूंगी, ठीक है? इश्क बुलावा जाने कब आवे, इश्क बुलावा आवे जब आवे। अजीब रंगा दी तू है बड़ी, लगे अलग ही जहान दी। तो भी क्या हो रहा है पूरब? वो पहले कितना अच्छा डांस करते थे और अब तो ऐसे डांस कर रहे हैं जैसे अजनबी हो, एक दूसरे को जानते तक नहीं। पूरब मैंने तभी तुम्हें मना किया था, पर तुम्हें तो पता नहीं आजकल क्या हो गया, तुम किसी की सुनती कहाँ हो। तो पूरब मैं क्या करूँ? मैं जाके उनसे बात करती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं जानता हूँ क्या हुआ। क्या हुआ? इधर आ। क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? मतलब क्या कर रही हो? तुमने क्या किया? तुम जीजू की साइड क्यों ले रहे थे? I mean, तुमने मुझे क्यों रोका? This is not fair. Relax करो। उसने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। अच्छा, तुम्हारा दोस्त है इसलिए तुम उनकी साइड ले रहे हो ना? मैं ऐसा कुछ नहीं। तुम ऐसा ही कर रहे हो। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अभी के दिल में क्या, उसको उसकी फीलिंग्स क्या, वो क्या फील करता। किसको लेके? प्रज्ञा दी को लेके। और किसको लेके? प्रज्ञा दी के प्रपोजल के बारे में उसने बताया मुझे। क्या बताया? कुछ नहीं पता। उसको तो समझ ही नहीं आ रहा कि वो कहे क्या। वो बहुत कंफ्यूज है। प्रज्ञा दी ने ऐसा क्या कह दिया कि वो कंफ्यूज हो गए? और तुम मुझे एक बात बताओ पूरब, मैं तुमसे नफरत करती थी पहले, बट बाद में प्यार करने लगी। या तो प्यार होता है या तो नफरत, बीच की कोई फीलिंग्स नहीं होती। और मैं आई थी ना तुम्हारे पास, मैंने किया था ना एक्सप्रेस मैं क्या फील करती तुम्हारे लिए, तो फिर जीजू क्यों नहीं कर सकते पूरब? मैं भी ना एक नंबर का इडियट हूँ, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता हूँ, खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता हूँ। कैसे बनाओ उसे? उसके सामने तो मेरी आवाज तक नहीं निकलती। अच्छा, जब उस पे चिल्लाना होता है तब तो बड़ी आवाज निकलती है। मेरी आवाज? ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ और मैं ही सुन रहा हूँ। अगर सच में उसके लिए बुरा लग रहा है ना तो जाके माफी मांग। हाँ, माफी तो मांगनी पड़ेगी, तब जाकर मन को शांति मिलेगी। लेकिन माफी मांगू कैसे? बेटा भी गुस्सा ये अभी कहाँ जा रहा है और इतना परेशान क्यों लग रहा है? I love you. बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। ये हो क्या रहा है मुझे? अरे एक सॉरी तो बोलनी है, इसमें इतना नर्वस क्यों हो रहा हूँ? What the hell is this? Come on अभी, मर्दपन, be a man. Yes, ये लाइट्स ऑफ कर देता हूँ। मैं उसे देख नहीं पाऊंगा ना तो नर्वस भी नहीं होऊंगा।